हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। सो आज है डे ऑफ, तो आज मैं जा रही हूँ बीच पे अपनी फ्रेंड के साथ। तो मैं मिलाती हूँ आपको अपनी फ्रेंड सोफी और दिखाती हूँ यहाँ का एक, आई थिंक मैं लास्ट ईयर एक गई थी एक बीच पे, और यहाँ पे जा रही हूँ मैं आज दूसरे बीच पे। तो आपको जाके दिखाती हूँ और मिलाती हूँ मेरी फ्रेंड। देखना पड़ेगा उधर ही जाके कि स्विमिंग कर सकते हैं या नहीं कर सकते आज। लेट्स सी, एक अंकल भी आ गए पीछे से। ऑलरेडी मैं बाहर आ गई हूँ अभी, मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, वो इधर कहीं है अभी, उसको देखती हूँ किधर पे करके वो जो मुझे पिक करेगी यहाँ से। अभी मैं वहाँ से आई, और यहाँ पे ये अच्छी बात है कि मैं यहाँ से ना क्रॉस भी कर सकती हूँ उस साइड जाने के लिए। तो अभी मुझे देखना पड़ेगा कहाँ पे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं लिस्बन से, आई थिंक हाफ एन आवर का रास्ता है, राइट? हाफ एन आवर का स्टोरिल, हाँ स्टोरिल करके इस जगह का नाम है, और ये बहुत यहाँ का फेमस बीच है। तो अभी हम जा रहे हैं, ऑलमोस्ट शाम के 5 बज गए हैं। निकलते निकलते तो हम लोग शायद, आई डोंट नो, स्विमिंग तो नहीं करेंगे शायद, लगता है, क्योंकि ऑलरेडी हवा चलने लगी है। तो अभी मैं आपको नीचे जाके दिखाती हूँ कि बीच कैसे है। ये मेरा, मैं पहली बार आ रही हूँ इस वाले बीच पे, और सोफी भी। तो हम लोग मैप पे ढूंढ ढूंढ के इस बीच पे आए हैं। अभी नीचे जाके देखते हैं कि कैसा है ये बीच। तो आज हम बनाने वाले बहुत सारे टिकटॉक। सोफी ऑलरेडी डिसाइड करके आई है टिकटॉक कौन सा बनाना है। इसे थोड़ी शर्म आ रही है कि क्या बोलेगी। और यहाँ पे घर बहुत मस्त मस्त है यार। तो गाइस, फाइनली हम पहुंच चुके हैं अभी बीच पे। ये रहा यहाँ का सुंदर बीच। माय गॉड, आज तो संडे काफ़ी क्राउडेड है अभी यहाँ पे। इसमें यहाँ पे ऑलरेडी बीच में पहुंच गई, और सोफी तो चेयर भी लेके आई है मस्त। गाइस, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा लेट आए। अगर दिन के टाइम पे आते तो अच्छा रहता। अभी स्विमिंग नहीं कर सकते यहाँ पे, मे बी नेक्स्ट टाइम। ओह माय गॉड, पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है यार। गाइस, पानी इतना ज़्यादा ठंडा है ना, हम लोग स्विमिंग नहीं कर सकते अभी, लेकिन फिर भी ऐसे इंजॉय कर लेते हैं। मे बी नेक्स्ट टाइम स्विमिंग करेंगे। सिर्फ यहाँ पे बैठे हैं, बस हो गया। हम लोग पता नहीं आज क्यों इतना लेट आए, अगर जल्दी आते तो फिर भी शायद स्विमिंग कर लेते। अभी बहुत हवा चल रही है और स्विमिंग
भी नहीं कर सकते। मुझे मन कर रहा है बच्चों के साथ जाके फुटबॉल खेलूं वहाँ पे। सोफी क्या बोलती है? लेट्स गो। लड़के लड़के सारे बच्चे बच्चे खेलने नहीं देंगे। आज का बीच कैसा लगा आपको? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा लेट पहुँची, तो मे बी नेक्स्ट टाइम अगर बीच जाने तो आपको मतलब आफ्टरनून में जाना चाहिए, लाइक 12 से 4 बजे तक, और मैं यहाँ पे पहुँची 5 बजे तक, लेकिन अभी भी 6:30 हो रहे तक में। और ये यहाँ का पॉस एरिया कह सकते हो आप, यहाँ पे स्ट्रॉइल करके इसका नाम है, जो लिस्बन से ऑलमोस्ट हाफ किलोमीटर अवे है लिस्बन से। और यहाँ पे घर बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं। आई होप मेरा भी एक दिन घर हो यहाँ पे। गाइज, आपको आज का वीडियो कैसा लगा? एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है मेरे वीडियो के लिए यार। यहाँ पे आपको काफ़ी लग्जरी होटल वगैरह दिखेंगे अभी सामने पे। अगर मैं वापसी से अगर मैं आपको दिखाऊंगी तो यहाँ पे इंटरकॉन्टिनेंटल है, और यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको। बच गए छः। आप लोग ये सोच रहे हो कि मैं आपको टाइम क्यों बता रही हूँ बार बार, क्योंकि अभी बच गए छः, तो मैं आपको अभी पीछे का व्यू दिखा देती हूँ। ये है लिस्बन से 1.5 किलोमीटर दूर इस जगह का नाम है। अगर आप यहाँ से लिस्बन से अगर बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बीच नज़र आएंगे। तो ये है एक फेमस बीच यहाँ का, तो नेक्स्ट टाइम आपको ले चलूंगी मैं एक नए बीच पे, क्योंकि हम लोग आज बहुत ज़्यादा लेट आए तो इसलिए हम लोग स्विमिंग नहीं कर सकते क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो नेक्स्ट टाइम में भी जल्दी आके हम लोग स्विमिंग करेंगे। बाय बाय।